हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूको बैंक और रुपए प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में। तो जैसा कि कल की मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में, तो उस पर कमेंट आया था कि आप हमें यूको बैंक के रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम जो इसी डेबिट कार्ड के बारे में जानेंगे कि इस डेबिट कार्ड में हमें क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रुपए के कार्ड्स होते हैं वो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है कॉरपोरेशन बनाता है रुपए के कार्ड्स। तो बैंक जो है इसी के बिहाफ पे हमें रुपए के कार्ड्स इशू करते हैं, और जो रुपए के कार्ड्स होते हैं वो लगभग जो है सेम से होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कोई सा भी बैंक आपको रुपए के कार्ड इशू करता है तो उसमें जो फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं वो लगभग सेम से ही होते हैं। कुछ एक फ़ीचर्स हो सकता है कि एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, कुछ प्राइवेट बैंक हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा ही फीचर्स वगैरह फीचर और बेनिफिट जो है ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो बहरहाल ये थोड़ा बहुत बैंक पे भी डिपेंड करता है, और बाकी के जितने भी फीचर्स और बेनिफिट्स रुपए की तरफ से मिलते हैं वो तो बिल्कुल सेम से ही रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में बताया था, तो बिल्कुल वैसा ही ये भी यूको बैंक का भी रुपए प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। बस फर्क जो है चार्ज में है कि जो चार्जेस होते हैं यूको बैंक के वो कम होते हैं, तो आपको जो है कम चार्ज देना होगा अगर आप यूको बैंक का रुपए प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस डेबिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो 5% का आपको कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे, यानी कि अगर आप जो यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिल जाया करेगा। लेकिन ये महीने में आप जो है सिर्फ मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है और भी इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है 2,00,000 रुपये तक का, जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है डेथ और परमानेंटली डिसेबिलिटी के लिए। तो 2,00,000 रुपये तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसके लिए काफ़ी शर्तें होती हैं, यानी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जैसे कि एज को ले लीजिए तो एज जो है मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 75 साल। इसी तरीके से जो है आपके डेबिट कार्ड से पिछले 45 दिन के अंदर अंदर जब जो है इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा हो तो 45 दिन के अंदर अंदर कम से कम एक बार उससे ट्रांजेक्शन हुआ हो, चाहे कहीं पे भी ट्रांजेक्शन हो, एटीएम पे हो, माइक्रो एटीएम पे हो, पीओएस पे हो, ऑनलाइन हो, ई कॉमर्स वगैरह पे, तो कम से कम एक बार ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और दोस्तों, जो कैशबैक होते हैं ना, तो ये आपको 60 दिन के अंदर अंदर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब आप जो डेबिट कार्ड अपना इस्तेमाल करें यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए और आपको कैशबैक शो ना हो या आपको कैशबैक ना मिले तो आप तुरंत ही जो है हताश हो जाएं कि हमें कैशबैक नहीं मिल रहा है। तो कैशबैक आपको मिलता है, 60 दिन आप इंतज़ार करिए, 60 दिन के अंदर अंदर मिल जाए। तो रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो इसमें आपको फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, जो कि पर क्वार्टर आपको जो है 2 बार मिलेगा, यानी कि हर तिमाही में आप 2 बार जो है एयरपोर्ट के लॉन्च में विजिट कर सकते हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी कि अपने इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लॉन्च में आप जो है विजिट कर सकते हैं फ्री में। फ्री में मतलब ये है कि आप जो समझिए कि 2 रुपये का ट्रांजेक्शन आपको करना होगा सिर्फ, और अब बाकी जो है लॉन्च में अपना विजिट करके आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको सबसे अच्छा सिटिंग एरिया मिल जाएगा, आपको नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम वहाँ पे रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको ऑफ़र्स वगैरह मिलते रहते हैं रुपए की तरफ से, तो अगर आपको ऑफ़र्स चेक करने हैं तो मैं जो है उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा चेक कर सकते हैं। और इंश्योरेंस का भी दे दूंगा, तो इंश्योरेंस भी आप जाकर चेक कर सकते हो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। और साथ ही साथ आपको लॉन्च की पूरी लिस्ट दे दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट पे जो आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा। सो इस डेबिट कार्ड में आपको जो ट्रांजेक्शन की लिमिट मिलती है वो ज़्यादा होती है अगर हम उसको कंपेयर करें अपने रुपए के बेसिक डेबिट कार्ड से, क्लासिक डेबिट कार्ड से। तो इसमें आपको 50,000 की कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है और 1,00,000 तक की जो है ऑनलाइन और POS की लिमिट मिलती है। और दोस्तों, ये जो डेबिट कार्ड होता है यूको बैंक का रुपए प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये जो है आप अपने सेविंग्स अकाउंट पे भी ले सकते हैं, करंट अकाउंट पे भी ले सकते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे अगर 500 रुपये भी आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप उस पर भी ये डेबिट कार्ड ले सकते हैं। और ये डेबिट कार्ड 2 तरह के आते हैं, यूको बैंक आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड देता है। हर कैटेगरी के अंदर आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं। एक होता है इंस्टा डेबिट कार्ड, जो कि नॉन पर्सनलाइज्ड होता है, उस पर आपका नेम वगैरह प्रिंटेड नहीं रहेगा,
और आपको वो इंस्टेंटली मिल जाएगा हैंड टू हैंड। जैसे ही आप जो अप्लाई करते हैं, आपको सिर्फ जो है फॉर्म फिलअप करना होता है डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, आपको एक फॉर्म मिलता है तो आप फिल करके दे दीजिए और आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा, हैंड टू हैंड मिलता है। तो आपको जो है वेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको पोस्ट से भेजा जाएगा, कुरियर से भेजा जाएगा, तुरंत ही आपको मिल जाएगा आपका डेबिट कार्ड। तो इसमें भी दो तरह के डेबिट कार्ड हैं, रुपे प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में भी इंस्टेंट डेबिट कार्ड आता है जो कि नॉन पर्सनलाइज्ड होता है, और एक होता है पर्सनलाइज्ड जिसमें आपका नेम प्रिंट होकर के आता है। तो आप अपनी मर्जी से डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए। दोस्तों ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, जैसा कि इसका नाम में भी है कि रुपे प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो आप जो है इसको बाहर देशों में ATM और POS पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी डिस्कवर डाइनर्स क्लब और पल्स एक्सेप्ट किया जाता हो, मतलब कि जहाँ कहीं पे भी डिस्कवर के कार्ड्स और पल्स के कार्ड्स और डाइनर्स क्लब के कार्ड्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, वहाँ पे आप इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में आप सिर्फ जो है उन्हीं वेबसाइट पर इस्तेमाल कर पाएंगे जहाँ कहीं पर रुपये के कार्ड्स एक्सेप्ट किए जाते हों। तो इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, डिमेरिट भी होता है कि आप इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ख़ासकर तो नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और भी बहुत सारे वेबसाइट पे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप होस्टिंग और जो है डोमेन ले रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर वीज़ा और मास्टर कार्ड ही चलते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसका डिमेरिट है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा मतलब कि नुकसान यही है कि ये इतना वाइडर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा जितना कि हम वीज़ा और मास्टर कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कि क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि ज़्यादातर जो है वीज़ा और मास्टर कार्ड ही चलते हैं दुनिया भर में, तो उस लिहाज से ये जो है कार्ड पीछे रह जाता है उनसे। और बाकी अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हैं कि आप ATM से कैश विड्रॉल करेंगे सिर्फ, उससे आपको मतलब है कि ज़्यादा आपको लिमिट चाहिए है और आपको कैशबैक मिल रहा है 5% का यूटिलिटी बिल पेमेंट पे, और अगर आप सिर्फ जो है अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कार्ड ले सकते हैं। और बाकी दूसरे यूजेज अगर आपको चाहिए हैं तो आप वीज़ा या मास्टर कार्ड का कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के चार्ज के बारे में। तो अगर आप इंस्टा डेबिट कार्ड लेते हैं, यानी कि रुपे प्लेटिनम इंटरनेशनल इंस्टा डेबिट कार्ड जो कि नॉन पर्सनलाइज्ड होता है, तो फर्स्ट टाइम इशुएंस चार्ज उसका कुछ भी नहीं होता है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन री इशुएंस चार्ज ₹120 होता है, और इसी तरीके से उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, या फिर हम एनुअल चार्ज भी कह सकते हैं सालाना चार्ज, तो वो भी ₹120 होता है। लेकिन अगर आप जो है पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड ले रहे हैं, रुपे इंटरनेशनल पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, तो फिर आपको जो है इशुएंस चार्ज भी ₹120 देना होगा, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सालाना चार्ज भी ₹120 देना होगा। मतलब कि आपको जब डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो ₹120 चार्ज उसका लग जाएगा, फिर अगले साल से आपको ₹120 हर साल जो है आपको चार्ज लगेगा। तो दोस्तों यही था यूको बैंक का रुपे प्लेटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।